मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज ठाणे महानगर पालिका ने हॉकर्स पर कार्रवाई की, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। मनपा कार्रवाई के दौरान तनवर नगर में डीसीपी बैंक के पास हॉकर के हाथ गाड़ियां मनपा लेकर जाने लगी। इस दौरान हॉकर्स विरोध करने लगे और मनपा के गाड़ी के सामने खड़े हो गए। यहाँ तक कि एक युवक मनपा के गाड़ी के पहिए के पास लेट कर कार्रवाई का विरोध करने लगा। हालांकि इस कार्रवाई का वो लोग भी विरोध करने लगे जो खरीदारी करने के लिए आई थी महिलाएं। उनके और मनपा के बीच में काफ़ी बहसबाजी हुई। इसी दौरान मनपा की गाड़ी पर किसी ने पत्थर भी फेंक दिया और विरोध करने वाली 3 से 4 महिलाओं को पुलिस अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर गई। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एक तरफ नेता विरोध करते हैं ट्रैफिक समस्या को लेकर, तो दूसरी तरफ इन हॉकर्स को लेकर आवाज़ उठाते हैं। मुमरा के नेताओं के पास शायद अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, सिर्फ हॉकर का मुद्दा ही बचा है कि हॉकर्स को कैसे हटाया जाए। हॉकर्स के बारे में भी सोचना चाहिए कि उनका घर परिवार कैसे चलेगा। एक तरफ नेता तो दूसरी तरफ हॉकर्स, बीच में मनपा मुमरा कौसा में लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन हॉकर्स को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपना दुकान कहाँ लगाएं, कि मनपा उनके हाथ गाड़ियों तक ना पहुंच सके। हम हमेशा उन हॉकर्स को लेकर खबरें दिखाते हैं और आज भी खबर दिखा रहे हैं। हर रोज़ मनपा कार्रवाई करती है, लेकिन हॉकर्स दोबारा वहीं पर अपना धंधा लगाते हैं। शायद ये हॉकर्स की मजबूरी है कि उनके लिए शहर में कोई हॉकर्स जोन नहीं है। मनपा के अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि पहले तो मुमरा स्टेशन से लेकर कौसा तक मुख्य रास्ते पर हाई कोर्ट का आदेश है कि हॉकर्स ना लगाएं। वहीं मुमरा शहर के नेता ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए सीधा मनपा पर आवाज़ उठाने लगते हैं और कोरोना जिस तरह से मुमरा शहर में बढ़ रहा है, इसलिए कार्रवाई मनपा को करनी पड़ रही है। वही शहर के नेता कहाँ खो गए हैं? क्या इन नेताओं को हॉकर्स की कहानी नहीं मालूम है? अगर मालूम है तो इन हॉकर्स को लेकर आगे क्यों नहीं आते हैं? हॉकर्स के लिए कोई इंतज़ाम क्यों नहीं करते हैं? कार्रवाई को लेकर हॉकर्स में किस तरह गुस्सा है, सुनिए। शाम के 7 बजे के बाद आए ना सावले, मैं कौन सी दुकानें खुली हुई हैं सागर थाने के, शाम के 7 बजे के बाद आके कार्रवाई करें ना। लीगली तरीके से जिनके घरों में खाने को नहीं है उनको जगह दी जाए, थोड़ी थोड़ी चाहे रोड भरी। कहाँ से खाएगा आदमी? सिकंदराबाद में कितने दिन खाना बांटा? अभी पब्लिक कहाँ से खाना खा रही है? क्या आप जवाब दे सकते हैं? कितनी ट्रेनें चालू हैं? कितने लोग काम पे जा रहे हैं? जहाँ दो धंधे लगते थे, जहाँ दो धंधे लगते थे वहाँ 200 धंधे लगते हैं। नहीं भाई, जो नौकरियाँ करते थे, जो नौकरियाँ करते थे ट्रेनें मंजर, जहाँ दो धंधे लगते थे और 400 आदमी बेरोजगार हैं, तो हर परिवार में से एक आदमी धंधा लगा रहा है, क्या कर सकते हैं? वहाँ दो धंधे की जगह 200 धंधे हो गए। क्या सरकारी कर्मचारी या सरकार कोई भी अधिकारी उनके घर में डॉक्टरी की फीस कितनी है, स्कूल की फीस बच्चों की पहुंचाई क्या, घर में खाने को है क्या? सिर्फ एक उनके चावल उबले पे खिला दिए। अरे उबले पे चावल भी दोनों टाइम तक खिला दे कम से कम। एक डॉक्टरी कैंप लगा देते जगह जगह पर, तबीयत खराब हुई तो धंधे नहीं लगाएंगे हम। जब मिले खाना पीने को तो यार इतना परेशान किया जा रहा। मेरा कहने का मतलब गरीब आदमी है बेचारा, धंधा लगा रहा कोई ना। एक तरफ तुम लोग बोलते हो 10,000 रुपया ले लो, एक तरफ बोल रहे हो कि 10,000 रुपए ले लो काम चालू करो, और दूसरी तरफ उसी पब्लिक को उनका सामान उनका हर एक चीज डायरेक्ट पलट दिया जा रहा है। ये क्या मतलब कहेगा कानून है? डायरेक्ट आदमी कोई भी गरीब आदमी पैर पड़ रहा, हाथ पड़ रहा, कल वीडियो में देखा उसका, इतना मुझे तकलीफ हुई है। मतलब इसका कोई इलाज, पुलिस भी कोई सहायता नहीं कर रही, पुलिस उसका साथ दे रही है, आदमी मर रहा है, भूखा मर रहा है। कभी सरकार कोई भी भाजपाई या कोई भी आदमी 10-1 किलो 1-1 ग्राम सामान देने आया, सभी जगह 500 रुपया वहाँ बांट दो, 40,000 करोड़ वहाँ निकाल दिया सड़क, कहाँ गया वो पैसा? गया किसको मिला? 20,000 लाख करोड़ रुपया आज तक का बोले
आप हॉकर्स हैं क्या बोले? हाँ बराबर है भाई, तकलीफ है। कहने का मतलब हमारे पास है, अल्लाह हमको दिया है, लेकिन हमारे पीछे कहने का मतलब और बेचारे गरीब मर रहे हैं। कभी अपना पेट नहीं देखना चाहिए भाई, हमको अल्लाह दिया, हमको नहीं तकलीफ है, लेकिन जो खाली आदमी अपने बारे में सोचेगा वो कोई काम का नहीं आदमी है। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब, सोचो सबके लिए सोचो। मेरा बोलने का मतलब क्या, ट्रेन बंद है, आज की तारीख में ट्रेन पूरी बंद है, तो इसका लोग महानगर पालिका मनपा लोग का मौके का फायदा उठा रहे, ट्रेन बंद है, लोग मुसलमान को तकलीफ दे, हर जगह को ऐसी तकलीफ दे रहे, माँ बहन बच्चे बीमार पड़े रहे, लेकिन रो रहे आदमी रात को आ रहा है, लेकिन इन लोग को महानगर पालिका लोग डरा रहम नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे, ऐसा कर ऐसी हालत कर दी 8-10 दिन से। अरे खुद तो होकर जोन बना, मैं होकर जोन हूँ, मेरे पास 850 लेके 15 साल से धंधा लगा रहा, लेकिन इसका कुछ लोग होकर जो साइड पे नहीं की पब्लिक गाड़ी आए, धंधे वाले गाड़ी आए। यहाँ यहाँ के जो नेता हैं, जो स्थानीय नेता है, नगर सेवक हैं, इन लोगों से आप लोगों ने मुलाकात की? सब लोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है, टाइम आता है तो बोलते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, आगे घर घर में बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज कहाँ गए वो लोग? आज उनको क्या भी वो वीडियो उनके पास नहीं जाता होगा, क्या उनको नहीं दिखाई देता होगा? मतलब हमारा सिर्फ कहने मतलब गरीब आदमी जो भी परेशान है, देखो आज अल्लाह तुमको दिया है, कल नहीं, देखो रोजी आज तुम्हारे पास है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि आज तुम्हारे पास पैसा है, कल नहीं रहेगा। वहीं मनपा तो कार्रवाई लगातार कर रही है, इस पर शहर के नेता भी खामोश हैं, लेकिन शहर के नेताओं को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए और हॉकर्सों का हल भी निकालना चाहिए। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।